सो हेलो एवरीवन, दिस इज मनु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खूनी गेमर्स एंड एवरी विद अनदर वीडियो। तो जो आपने वीडियो को थंबनेल वो देख लिया, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं इसमें बात करने वाला हूँ 2GB रैम और 4GB रैम वालों की सेंसिटिविटी क्या रखनी चाहिए और 6GB रैम वालों को मोबाइल की अपनी सेंसिटिविटी वो क्या रखनी चाहिए। यानी आपका मोबाइल आपका साथ नहीं देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा लैग करता है, आपके हेड मतलब आपके पास स्किल तो होती है बट आप उन स्किल को दिखा नहीं पाते। तो गाइस इसके लिए मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या सेंसिटिविटी रखनी है, क्या सेटिंग रखनी है, क्या डीपीआई रखनी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो में 100 डायमंड का गिव अवे चल रहा है, तो गाइस जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा उसको मेरी तरफ से 100 डायमंड वो दिए जाएंगे। और गाइस 7 बजे में एवरीडे लाइव स्ट्रीम होती है और डायमंड गिव अवे होता है, उसमें 300-400 डायमंड का गिव अवे मैं करता हूँ, फन कस्टम भी बनता है। तो गाइस आ जाया करो, ठीक है, शाम को 7 बजे सभी। तो इसलिए गाइस यहाँ पे अभी तक आपने मेरे को बताया वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे जो भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और 18 के फैमिली के हम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो गाइस सब्सक्राइब वाला बटन दबा के आप भी हमारी फैमिली का मेंबर है वो बन जाओ। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आपका मोबाइल का रैम अगर 2GB है या 4GB है, तो गाइस आप मतलब खेलते तो अच्छे हो बट आपका जो हेड है वो गन नहीं पकड़ पाती है, तो उसके लिए आपको क्या सेंसिटिविटी है, कौन सा ऐप आपको रखना है, कौन सा ऐप है वो आपको नहीं रखना है, तो इसमें सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस ऐसा होता है कि कई बार हमारा मोबाइल है ना, एंड 2GB रैम वालों के लिए मैं पहले बता देता हूँ, यानी ये सिर्फ मैं अभी 2GB रैम वाले और 4GB रैम वालों के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना गेम प्ले वो अपना स्मूथ में गेम प्ले करना होगा, जैसा कि तुम स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर आपको कई लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में कर लेते हैं, या तो स्मूथ में करो या फिर अपना अल्ट्रा में करो। यानी आपको दो चीज़ों में खेलना, या तो स्मूथ या अल्ट्रा। अल्ट्रा में तो आप खेल नहीं सकते क्योंकि आपका रैम 2GB है और 4GB रैम है, तो अल्ट्रा में तो आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। इसलिए कि यहाँ पे सबसे जो बेस्ट है वो है आपका स्मूथ, यानी आप स्मूथ में गेम प्ले दिखाओगे तो कि यहाँ पे आपका हेड है वो अच्छे तरीके से पकड़ेगा। यानी स्मूथ और अल्ट्रा में खेलो, स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी मत खेलो। अब गाइस हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी सेकंड टॉपिक आपका, बहुत सारे लोग हैं वो डीपीआई यूज़ करते हैं। तो गाइस मैं सभी से मतलब पहले ही हमेशा से मना करता आया हूँ कि डीपीआई यूज़ कोई भी ना करे, चाहे आपका 10GB रैम वाला मोबाइल है, चाहे 12GB रैम वाला मोबाइल है, चाहे आपका 1000GB रैम वाला मोबाइल है। अगर आप तुम डीपीआई यूज़ करोगे तो डीपीआई से क्या होगा कि आपका मोबाइल चाहे कितनी भी जीबी रैम वाला हो, चाहे कितने भी आप डीपीआई यूज़ करते हो, तो गाइस डीपीआई यूज़ करने से क्या होगा कि आपकी जो मोबाइल की रैम है ना वो कम हो जाएगी और आपका मोबाइल जो लैग करने लग जाएगा या फिर हैंग की वाली प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। तो गाइस मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपना मतलब अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है तो उसमें डीपीआई यूज़ ना करके सभी के मोबाइल के अंदर एक ड्यूल टाइमिंग वाला ऑप्शन आता है, ड्यूल टाइमिंग और पॉइंटर स्पीड। तो एक बार मेरे कहने से ड्यूल टाइमिंग होता है और पॉइंटर स्पीड होता है, उसको फुल कर दो, ठीक है। जैसा कि तुम सेटिंग में जाओगे अपने मोबाइल के अंदर, तो सेटिंग में आपको ड्यूल टाइमिंग और पॉइंटर स्पीड दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो एक बार ड्यूल टाइमिंग और पॉइंटर स्पीड आप यूज़ करके देखो। अब गाइस हम बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में, यानी आपको सेंसिटिविटी है वो क्या रखनी होगी, सेंसिटिविटी हम किस तरीके से रखें जिससे हमारा हेड है वो अच्छे पकड़े। तो सेंसिटिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप तुम देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपना जनरल है वो 100 करके रखा है, और उसके बाद आप चाहो तो 2GB रैम वाले तो हमेशा जनरल है अपना 100 ही रखो, और रेड डॉट को आप चाहो तो मतलब 98 या 99 के समथिंग रख सकते हो, क्योंकि जनरल और रेड डॉट सबसे मेन होता है, ठीक है। आप चाहो 2x 4x को आप 75-78 या कुछ ऐसा इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है, बट आपका रेड डॉट और जनरल है वो आपका हमेशा 100 ही होना चाहिए। अब गाइस यहाँ पर हम बात करें कि आपको कौन कौन से मोबाइल में ऐप है वो रखने, तो भाई यहाँ पर आपको मोबाइल के अंदर ऐप आपको सिर्फ एक फ्री फायर आपका रहना चाहिए, अदरवाइज़ और कोई सा भी ऐप आपके मोबाइल के अंदर ना हो। क्योंकि क्या करते हैं कि हम अपने मोबाइल के अंदर या तो आप फ्री फायर चला लो या फिर आप फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इनको यूज़ कर लो, क्योंकि यार अपने मोबाइल की कैपेसिटी इतनी नहीं है भाई। अगर अपने मोबाइल की कैपेसिटी इतनी होती ना तो आपका रैम है ना आपका रोम है। तो अगर मेरी बातें सही लग रही हो, अगर किसी को समझ में आ रही हो, तो एक बार जो मैं चीज़ फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ वो चीज़ फॉलो करना, डीपीआई यूज़ बिल्कुल ना करें। सो ड्यूल टाइमिंग और पॉइंटर स्पीड सभी के मोबाइल के अंदर मिल जाएगी। आपको सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग के अंदर आपको एक एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको ड्यूल टाइमिंग या पॉइंटर स्पीड मिल जाएगी। तो भाई कई मोबाइलों में पॉइंटर स्पीड है वो नहीं आती, तो आपको सिर्फ ड्यूल टाइमिंग से ही काम चलाना पड़ेगा, तो आप ड्यूल टाइमिंग से भी काम चला सकते हो। और गाइस 18 के फैमिली के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो गाइस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो भी नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। और गाइस इस वीडियो में 100 डायमंड का गिव अवे भी चल रहा है, तो बेस्ट कमेंट डाल के आप भी मतलब 100 डायमंड वो जीत सकते हो। तो गाइस आपको अपने मोबाइल के अंदर कोई भी ऐसा फीचर नहीं रखना है, सिर्फ आपको फ्री फायर रखना है। और गाइस फ्री फायर ओपन करने से पहले आपको क्लियर कैचे कर देना, ठीक है। अगर आपके मोबाइल का रैम रोम कम है तो आपको क्लियर कैचे करके गेम खेलना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, ऐसे सपोर्ट और ऐसे प्यार है वो करते रहना। बाय बाय मेरे भाइयों।